गुड इवनिंग गाइज़ एंड वंस अगेन वेलकम टू माई चैनल ये जिंदगी आयल्स सेवनटीन्थ अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को जो आयल्स का एग्जाम कंडक्ट हुआ है इवनिंग में उसका कंप्लीट रिव्यू मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट करने जा रही हूँ सो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और ज़रूर लाइक कीजिए स्टूडेंट लिसनिंग और रीडिंग की बात करें सबसे पहले रीडिंग का लेवल मोडरेट था ना ज़्यादा इजी कंसीडर किया जा सकता था और ना ज़्यादा डिफिकल्ट तो रीडिंग का लेवल मोडरेट था लिसनिंग की बात करें तो लिसनिंग का लेवल काफ़ी इजी था सुबह में भी जो मॉर्निंग सेशन में एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसका भी इक्विवेलेंट लेवल था उसमें भी लिसनिंग बहुत ही ईजी आई थी और इवनिंग में भी लिसनिंग ईजी थी टास्क वन की बात करें तो मॉर्निंग में बारग्राफ आया था उसका रिव्यू ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है और इवनिंग में जो था वो टेबल चार्ट था स्टूडेंट टास्क टू की स्टेटमेंट की बात करें तो दिखने में टॉपिक काफ़ी इजी लग रहा था स्टूडेंट्स को लेकिन जब अटेम्प्ट करने लगे तो स्टूडेंट्स में uh, काफ़ी स्टूडेंट्स में वो बता रहे थे कि आइडियाज़ नहीं आ रहे थे तो इसलिए इस स्टेटमेंट uh, को ध्यान से देखिए और वीडियो में मैं आंसर भी इसका अपलोड किया हुआ है बिकॉज ये राइटिंग टॉपिक रिपीट हो रहे हैं स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है इन मैनी कंट्रीज़ द प्रपोर्शन ऑफ ओल्डर पीपल इज़ स्टीली इंक्रीजिंग बहुत सारी कंट्रीज़ में जैसे जापान में चाइना में ओल्डर लोगों की पॉपुलेशन सीनियर सिटीजन की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ठीक है डज दिस ट्रेंड हैव पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट ऑफ सोसाइटी तो इस ट्रेंड का क्या इफेक्ट है सोसाइटी पर स्टूडेंट इसका सैम्पल आंसर तो जरूर देखिए दे आप लोगों के लिए प्रजेंट करने जा रही हूँ इससे आपको आइडियाज मालूम चलेंगे प्लस आपकी वोकेबलरी भी इनक्रीज हो जाएगी रेस्ट फॉर्मेट आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं लेट्स स्टार्ट डेमोग्रेफिक शोज दैट इन मैनी रिसेंट ईयर देयर हैज़ बीन एन अप वर्ड ट्रेंड इन द नंबर ऑफ एल्डरली वर्ल्ड वाइड फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस डिवेलपमेंट हैज़ ब्रॉट अस मोर ड्रॉबैक्स देन बेनिफिट्स ठीक है बॉडी वन में हम क्या लिख सकते हैं द ग्रोथ ऑफ सीनियर पॉपुलेशन हैज़ कोज मैनी नेगेटिव इफेक्ट ऑन सोसाइटी and economy first and foremost as life expectancy increase more money is needed to pay for pension as well as improve the social programs to be specific the more people retire the fewer are left to work which will increase which will create an economic hole since there will be burden on the national budget and Young people with the increase in tax and bills. In addition, as people reach their twilight year, they are more likely to fa face health issues which will put huge impact on the requirement to develop the health care system. Moreover, the increasing number of older citizens will accelerate over population all over world which means there will not be enough land and resources for humanity existence on the other hand there are definitely some certain positive aspect of this development the first point to note is better environment for upbringing children with senior people which mainly because the elderly are obviously more experienced in looking after children as well as giving them friendly atmosphere to grow up as most parents nowadays are getting busier and do not have enough time to take care of their kids furthermore government should take the appropriate action such as expanding the working age in Order to create silver tsunami that the old can make more contribution to the society. In conclusion, the growth in life expectancy has some considerable benefits. However, I personally believe that its disadvantage cannot be underestimated, and solutions should be implemented to help improve the situation.